नमस्कार दोस्तों, ओ लेवल की सीरीज़ में यह हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें आपको बताया जाएगा ओ लेवल का सिलेबस क्या है। ओ लेवल सिलेबस में हमारा चार पेपर होता है, वो इस प्रकार है। पहला पेपर हमारा जो है उसे M1R5 के नाम से जानते हैं। जो दूसरा है वो M2R5 है। जो तीसरा है उसे कहते हैं M3R5। फिर चौथा जो है उसे कहते हैं M4R5। अब आपको हम एक एक करके इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आता है, उसकी जानकारी हम पूरा डिटेल में देते हैं। सबसे पहले मैं आपको M1R5 के बारे में बताता हूँ। इसका नाम होता है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा नंबर एक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जो चैप्टर इसमें आता है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर तीसरा जो आता है इसमें उसका जो नाम है वो वर्ड प्रोसेसिंग इसकी अंतर्गत मैं आपको बता दूं, वैसे तो नए सिलेबस में लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ाया जाएगा, लेकिन MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैं आपको दोनों पढ़ाऊँगा, वो भी कॉम्परेटिव, यानी कि आपको पढ़ाया जाएगा MS वर्ड के साथ साथ लिब्रे ऑफिस राइटर। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो है स्प्रेडशीट में भी वही बात है कि यहां पे आपको बताया जाएगा MS Excel और सेकंड जो है वो लिब्रे ऑफिस।
कैल्क। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसका नाम है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इसमें भी वही चीज़ है कि आपको बताया जाएगा एमएस पावर पॉइंट, और यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस कहा जाता है यहां पे। यहां पे पावर पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, और यहां पे इंप्रेस कहा जाता है। क्या इंप्रेस? तो इसके बाद जो आता है उसका नाम वह चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड WWW। फिर इसके बाद आता है हमारा ईमेल सोशल नेटवर्किंग साथ में एंड ई गवर्नमेंट सर्विसेस। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड और बताया जाएगा इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी तो M1R5 में बस हमारा ये 9 टॉपिक है जिसकी आपको हम बताते हैं कि मार्किंग स्कीम कैसी है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा ये भी आप बताते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर था यानी कि नंबर 1 टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, 9 चैप्टर पढ़ने हैं जिसमें से सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ
कंप्यूटर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको यही बता दूं कि इन दोनों चैप्टरों से केवल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर सेकंड में जो हमारा ये है वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड www। फिर हमारा आता है ईमेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंट सर्विसेज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। साथ में जो लास्ट है वो फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। आपको इसमें बताते हैं मार्किंग कैसी होगी, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। जो हमारा ये वाला चैप्टर है इससे आएगा 20 मार्क्स का, इससे आएगा यहाँ ये है मार्क्स। इससे भी हमारा 20 मार्क्स का आएगा, इससे भी 20 मार्क्स का ही आएगा। फिर यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा ये चैप्टर है इससे हमारा 20 मार्क्स का आएगा और इन दोनों चैप्टरों से केवल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार हमारा M1 R5 पूरा ख़त्म हुआ। इतना ही हमें पढ़ना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पेपर है वह M2 R5। अब हम आपको उसे बताते हैं। नेक्स्ट आता है M2 R5। इसमें पढ़ाया जाता है, इसमें बताया जाता है हमें वेब डिजाइनिंग, एंड पब्लिशिंग, एंड पब्लिशिंग। इसके अंतर्गत भी आपको बताते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स में आएगा। जो कि सबसे पहला हमारा है
इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिज़ाइन सेकेंड चैप्टर है, एडिटर जो थर्ड है वो HTML बेसिक, HTML बेसिक है। इसके बाद हमारा जो आता है वो CSS, CSS में जो है उसमें हमारा आता है कास्केडिंग, कास्केडिंग स्टाइल शीट। सेकंड जो है वो CSS फ्रेमवर्क। यहाँ पर भी जो CSS है इसका जो फुल फॉर्म है वही सेम कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट तो जो इसके बाद हमारा आता है उसे उसमें हमें पढ़ाया जाएगा जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट जो हमारा सेकंड है, इसके बाद हमें पढ़ाया जाएगा फोटो फोटो एडिटर। फिर ये हुआ हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हुआ हमारा 8वां टॉपिक। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग इसके बाद, वेब पब्लिशिंग के बाद बस इसमें इतना ख़त्म होता हुआ आपको हम बताते हैं कि इसका मार्किंग स्कीम क्या है। मार्किंग स्कीम बताते हैं आपको हम कि सबसे पहला जो हमारा 3 चैप्टर है उसमें से आएगा हमारा 25 मार्क्स का। फिर हमारा जो आता है इसमें से आएगा हमारा 20 मार्क्स का। फिर इसमें से आएगा हमारा 15 मार्क्स का। उसके बाद जो हमारा आता है जो जावा है उसमें से हमारा 20 मार्क्स का आएगा। फिर जो हमारे जो लास्ट वाले टॉपिक हैं उससे भी हमारा 20 मार्क्स का आएगा। तो ये टोटल हुए 20, 20 40, 20 60 और ये 40 100 मार्क्स। तो वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में केवल हमें 8 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। जब भी क्लास होगी तो आपको मिलेगा सारा टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट आता है उसे कहते हैं हम M3R5। अगर इसे हम एक छोटे शब्द में कहना चाहें, किसी को छोटे में बताना है, तो केवल हम कहेंगे इसे पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका पूरा नाम जो होता है
प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज। तो इसके अंदर का आपको बताया जाएगा, सबसे पहला जो टॉपिक है नंबर वन में, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सीसा, ईटीसी। फिर जो सेकंड टॉपिक हमारा आता है उसमें बताया जाएगा एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट। इसमें एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट आपको बताया जाएगा, साथ में आपको बताया जाएगा स्यूडो कोड क्या होता है, और इन दोनों के जरिए आपको बताया जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो फिर थर्ड है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। इसके बाद आपको बताया जाएगा इसमें कौन कौन से ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट का उपयोग होता है। स्टेटमेंट। फिर इसके बाद जो पांचवा टॉपिक है उसमें आपको बताया जाएगा कि डाटा सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंसेस डाटा टाइप्स। फिर छठा जो आता है वो है फंक्शन। सातवां जो है उसमें आता है फाइल प्रोसेसिंग। फाइल प्रोसेसिंग इसके बाद इसमें दो टॉपिक और बचते हैं,
इसके बाद हमारा बचता है, ये है आठवां, ये है स्कोप एंड मॉड्यूल। और नौवां जो चैप्टर है उसका नाम है नंपाई। नंपाई तो इस प्रकार M3 R5 में आपको 9 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। फिर इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किसमें मार्क कैसे आपको मिलेगा, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा। सबसे पहले सारे चैप्टर के नाम लिखता हूँ मैं एक एक करके। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। सबसे पहले इसमें आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट आएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन आएगा। फिर ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। पाइथन स्टेटमेंट फिर हमारा आता है सीक्वेंस डाटा टाइप्स फंक्शन फाइल प्रोसेसिंग। इसके बाद हमारा आता है मॉड्यूल, फिर लास्ट है नंपाई। पहले इसके अगर हम मार्क्स की बात करें कितने मार्क्स का किस चैप्टर से आता है, तो सबसे पहले वाला जो दो चैप्टर हैं उससे आता है 20 मार्क्स का। फिर जो हमारे ये तीन चैप्टर हैं इससे आता है 30 मार्क्स का। फिर जो हमारे ये तीन चैप्टर हैं इससे आता है हमारा 40 मार्क्स का। और लास्ट वाले चैप्टर से हमारा आता है 10 मार्क्स का। इस प्रकार से इसमें चैप्टर वाइज ये मार्क्स होता है। तो अब इसे आप देख सकते हैं, लास्ट है M4R5 में आपको पढ़ाया जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग। एंड इट्स एप्लीकेशन
तो इस चैप्टर में ये मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा नंबर वन इंट्रोडक्शन ऑफ IoT। इसमें IoT का मतलब हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग। फिर जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसे हम कहते हैं टू। टू में आपको पढ़ाया जाएगा एप्लीकेशन डिवाइसेस, एप्लीकेशन डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन। फिर थर्ड जो हमारा आता है उसमें आपको बताया जाएगा कि जो थर्ड आता है उसमें बताया जाएगा कि थिंग एंड कनेक्शन क्या होता है। थिंग्स एंड कनेक्शन क्या होता है उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। फिर चार जो हमारा चौथा चैप्टर है वो सेंसर सेंसर एक्यूशन एंड माइक्रो कंट्रोलर। फिर जो हमारा फिफ्थ चैप्टर आता है इसमें आपको बताया जाएगा बिल्डिंग बिल्डिंग IoT एंड एप्लीकेशन। कैसे एप्लीकेशन IoT को बिल्ड किया जाए और इसका एप्लीकेशन क्या है। फिर जो हमारा छठा टॉपिक आता है छठे टॉपिक में आपको बताया जाएगा सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम। फिर जो सातवां चैप्टर आता है उसमें आपको बताया जाएगा कि सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें जो हमारा मार्किंग मार्किंग होगा मार्किंग में मैं आपको बताता हूँ जो हमारे दो चैप्टर हैं उसमें से आएंगे 10 मार्क्स के। फिर जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसमें से आएगा हमारा 10 मार्क्स का। फिर जो हमारा चौथा चैप्टर है उसमें से आएगा हमारा 15 मार्क्स का। चौथे और फिर पांचवें चैप्टर से हमारा आएगा 40 मार्क्स का। फिर जो आता है हमारा सिक्योरिटी से हमारा 5 मार्क्स का आएगा। फिर लास्ट वाले से हमारा आएगा 20 मार्क्स का। इस प्रकार से हमारा होता है 10, 10, 20, 15, 35,
पैंतीस, चालीस, पचहत्तर और पच्चीस 100 मार्क्स का। तो इस प्रकार से आपने अभी तक देखा कि M1, M2, M3, M4 ये चारों पेपर और उसके अंदर पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को। इसके बाद अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसका पेपर का पैटर्न है। एक्चुअली जब हम पेपर देने जाएंगे तो पेपर आएगा कैसे, उसके बारे में आपको बताता हूँ। पेपर पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न में आपका रहेगा ये पार्ट वन, ये होता है पार्ट सेकंड। पार्ट वन में आपका रहेगा MCQ और इसमें होता है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्लिक राइटिंग सेक्शन, इसमें हम आपको बताते हैं कि टाइमिंग क्या होगा, फिर क्वेश्चन कितने रहेंगे, फिर इसका मार्क्स कितना है। टाइमिंग की बात करें तो यह 1 आवर्स का होता है, 1 घंटे का होता है। इसकी बात करें क्वेश्चन की तो यह 40 क्वेश्चन होते हैं और टोटल जो मार्क्स होता है इसमें वो 40 होता है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। इस प्रकार से 1 × 40 = 40 marks। इसी प्रकार से हम आपको बताते हैं डिस्क्रिप्टिव में, ये 2 घंटे का होता है जिसमें आपको मिलेगा 5 क्वेश्चन रहेगा। इसमें 5 क्वेश्चन में आपको केवल 4 क्वेश्चन अटेंड करने रहेंगे, 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 5 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और 1 क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से या 15 × 4 टोटल मार्क्स जो होता है इसमें वो 60 होता है। तो इसमें आप 60 मार्क्स पाते हैं। आपको हम एक इंपॉर्टेंट चीज यह बताते हैं कि जब तक आप पार्ट फर्स्ट में इस वाले पार्ट में जब तक आप 20 मार्क्स नहीं पाते हैं, जब तक इसमें आप 20 मार्क्स नहीं पाते हैं तब तक आपकी ये वाली जो कॉपी है जो ये वाली कॉपी है वो नहीं चेक होगी। ये वाली कॉपी जो आपकी वो नहीं चेक होगी। इसको आप
बहुत ध्यान से, यह इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे एग्ज़ाम के दौरान। आपको मैं बताता रहूँगा, जब भी एग्ज़ाम आएगा इसके बारे में आपको हम बराबर बताते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।